नमस्कार, झरोखा चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम कक्षा दसवीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य खंड से लीलाधर मंडलोई जी की एक रचना ततारा वामीरो कथा के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। सबसे पहले करते हैं इसके मौखिक प्रश्नों को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। उत्तर है, ततारा वामीरो कहाँ की कथा है? उत्तर है, ततारा वामीरो निकोबार द्वीप समूह की कथा है। दूसरा, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? उत्तर है, जब वामीरो गीत गा रही थी तभी समुद्र की एक ऊंची लहर ने आकर उसे भिगो दिया। भीग जाने के कारण वह हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। तीसरा प्रश्न है, ततारा ने वामीरो से क्या याचना की? उत्तर है, ततारा ने वामीरो से दूसरे दिन भी वहां पर आने की याचना की। चौथा प्रश्न है, ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? उत्तर है, ततारा और वामीरो के गांव की यह रीति थी कि कोई भी अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में शादी नहीं कर सकता था। पांचवा है, क्रोध में आकर ततारा ने क्या किया? उत्तर है, क्रोध में ततारा ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से जमीन के अंदर घुसेड़ दिया। फिर वह उससे एक लकीर खींचता चला गया जिससे द्वीप दो टुकड़ों में बट गया। अब लिखित प्रश्न उत्तर। इसका क खंड कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में दीजिए। तो पहला है, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? उत्तर है, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का मत था कि वह लकड़ी की तलवार है परंतु उसमें कोई दैवी शक्ति है, वह उसी से अपने कारनामे करता है। लोगों के लिए यह एक रहस्य ही था। दूसरा है, वामीरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? उत्तर है, वामीरो ने ततारा को बेरुखी के साथ यह जवाब दिया कि पहले यह बताओ कि तुम हो कौन और इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न करने का कारण क्या है? मैं अपने गांव वालों के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तीसरा, ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर है, ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में यह परिवर्तन आया कि वे अपने गांव से बाहर भी वैवाहिक संबंध करने लगे। चौथा प्रश्न है, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? उत्तर है, निकोबार के लोग ततारा को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह एक नेक और मददगार युवक था, दूसरों की सहायता करने को सदा तैयार रहता था। वह दूसरे गांव के लोगों की मदद करने में जरा सी भी कोताही नहीं करता था। लोग मुसीबत के समय उसे याद करते और वह मदद के लिए पहुंच जाता था। अब खा खंड करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। पहला है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? उत्तर है, निकोबार द्वीप समूह के दो भागों में विभक्त होने के बारे में यह विश्वास है कि पहले वह एक ही द्वीप हुआ करता था। ततारा नाम के एक युवक को दूसरे गांव की वामीरो नाम की युवती से प्रेम हो गया था, पर अलग अलग गांव के होने के कारण उनका विवाह संभव नहीं था, यही वहां की रीति थी। वामीरो को पाने में असफल हो जाने के कारण ततारा को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी लकड़ी की तलवार से द्वीप को दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया। फिर वह द्वीप के धंसने के कारण
स्वयं भी उसी में समा गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके त्याग से प्रेरित होकर लोगों ने पुराने नियमों को तोड़ दिया और अपने गांव के बाहर भी विवाह करने लगे। सॉरी। दूसरा है, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहां गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र तट पर गया। उस समय शाम हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि सूरज क्षितिज में डूब रहा है। ठंडी हवा चल रही थी, चिड़ियों के झुंड अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। ततारा का मन एकदम शांत था। सूरज की लाल रंग की किरणें पानी में पड़कर बेहद सुंदर लग रही थी। और प्रश्न तीसरा है, वामीरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? उत्तर है, वामीरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। अगला दिन बिताए न बीत रहा था, वह उसे बहुत उबाऊ दिन लगा। वह वामीरों से मिलने का इंतजार कर रहा था। उसके संपूर्ण जीवन की वही दिन एकमात्र प्रतीक्षा बन गया था। वह चकित तो था ही, रोमांचित भी था। चौथा है, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? उत्तर है, प्राचीन काल में शक्ति प्रदर्शन और मनोरंजन के लिए अनेक प्रकार के आयोजन होते थे। पशुओं की लड़ाई का आयोजन भी इन्हीं आयोजनों में से एक था। मनुष्य और पशु के बीच युद्ध भी होते थे। नाच और गानों का भी आयोजन होता था। सामूहिक भोज किया जाता था। और अब है प्रश्न पांचवा, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मैं इस कथन से सहमत हूं कि रूढ़ियां जब बोझ बनने लगे तो उनका टूट जाना ही अच्छा है। सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए ही नियम बनते हैं, पर समय के साथ साथ नियमों में भी बदलाव होते रहना चाहिए। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जब हम पुराने नियमों को ही अपने से चिपकाए रखते हैं तब वे रूढ़ियां बन जाते हैं। बाद में यही रूढ़ियां बंधन बन जाती हैं, समाज को आगे बढ़ने नहीं देती। तब व्यवहारिक सोच के साथ उन्हें बदल डालना ही बुद्धिमानी होती है। और अब ग खंड के प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए, आशय बताना है। पहला है, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। उत्तर है, इस कथन का आशय यह है कि मनुष्य के मन में जब आवेग क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो वह विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए यही उचित है कि क्रोध का शमन किसी दूसरी रीति से कर लिया जाए। दूसरा है, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। उत्तर है, इस कथन का आशय यह है कि आशाएं सूर्य की अंतिम किरणों की तरह ही होती हैं, जिनसे कभी भी डूब जाने का अंदेशा बना रहता है, पर उसी किरण से एक नया रास्ता भी खुलता है। और अब भाषा अध्ययन वाले प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें पहला है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने दिए कोष्टक में सही का चिन्ह लगाकर बताएं कि वह वाक्य किस प्रकार का है। का है, निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। इसके वैकल्पिक उत्तर हैं,
कि ये वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, निषेधात्मक या विस्मयादि बोधक, तो इसका उत्तर है विधानवाचक। दूसरा है, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, इसके भी चार उत्तर वही हैं, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, निषेधात्मक और विस्मयादि बोधक। तो ये प्रश्नवाचक है क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है। ग, वामीरों की मां क्रोध में उफन उठी, तो उन चारों में से इसका सही उत्तर कौन सा है, वो है विधानवाचक। घ, क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम, इसका सही उत्तर है प्रश्नवाचक। इंगा, वाह कितना सुंदर नाम है, इसका उत्तर है कि यह वाक्य है विस्मयादि बोधक, इसमें आश्चर्य हो रहा है। च, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, उत्तर है यह विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, शुद्ध बुद्ध खोना, सदमा इतना बड़ा था कि उसने शुद्ध बुद्ध खो दी। ख, बाट जोहना, मैं स्कूल से लौटता हूं तो माँ मेरी बाट जोहती हुई मिलती है। गा, खुशी का ठिकाना न रहा, जब मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ तो मेरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घ, आग बबूला होना, किसी पर अन्याय होता देखकर पिताजी अक्सर आग बबूला हो जाते हैं। इंगा, आवाज उठाना, अन्याय के विरोध में आवाज उठाना ही हमारा धर्म है। अब तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो इसके तीन खंड हमने किए हैं, पहला शब्द का, दूसरा मूल शब्द का और तीसरा प्रत्यय। तो देखिए, शब्द में है चर्चित और इसका मूल शब्द है चर्चा और इसमें प्रत्यय लगा है इत, चर्चा में इत लगा तो चर्चित हो गया। साहसिक में साहस और प्रत्यय है इक। छटपटाहट में छटपटाना और प्रत्यय है आहट। शब्दहीन में मूल शब्द शब्द है और हीन जो है उसका प्रत्यय है। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। अभी हमने प्रत्यय किया था, अब उपसर्ग करेंगे। प्रत्यय शब्दों के बाद में लगते हैं, उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं। तो इसमें दिया गया है अनाकर्षक, तो आकर्षक में अगर हम अन लगा दें जो कि उपसर्ग है तो शब्द बनेगा अनाकर्षक। इसी तरह आधन ज्ञात, शब्द बनेगा ज्ञात। सुधन कोमल, सुकोमल। बेधन होश, बेहोश। दुह धन घटना, दुर्घटना। अब पांचवा है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। वाक्यों को बदलना है, जो निर्देश है वैसा। का, जीवन में पहली बार विचलित हुआ हूं, इसे मिश्र वाक्य में बदलना है, तो इसका उत्तर है जीवन में पहला मौका है कॉमा जब मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। ये कॉमा लगने से मिश्र वाक्य हो गया क्योंकि एक मुख्य वाक्य है, दूसरा उसका उपवाक्य है। खा, फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। फिर तेज कदमों से चलती हुई वामीरो आई और ततारा के सामने आकर ठिठक गई। ग है, वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। इसका सरल वाक्य बनाना है, अर्थात इसमें जो और शब्द आया है वो हटा देना है। उत्तर है वामीरो कुछ सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी। फिर अगला है, ततारा को देखकर वह फूट कर रोने लगी।
इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। उत्तर है, उसने ततारा को देखा और फिर वह फूट कर रोने लगी। इंगा, रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। उत्तर है, वहां की रीति यही थी कौमा कि दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। अब प्रश्न सातवां है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विपरीत अर्थ वाले। तो भय का निर्भय, मधुर का कर्कश, सभ्य का असभ्य, मूक का वाचाल, तरल का ठोस, उपस्थित का अनुपस्थित, दुखद का सुखद। और अब प्रश्न आठवें पर आते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर है, पहला समुद्र, इसके दो पर्यायवाची हुए सागर, जलधि, आंख, नेत्र और नयन, दिन, दिवस और वासर, अंधेरा, तम और अंधकार, मुक्त, आजाद और स्वतंत्र। प्रश्न नौवा, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, किं कर्तव्य विमूढ़, जब पिता की मृत्यु हुई तो वह किं कर्तव्य विमूढ़ हो गया। विभल, एक अपंग को पुलिस वालों के द्वारा बेवजह पीटा हुआ देखकर मेरा हृदय करुणा से विवल हो गया। भयाकुल, अंधकार और जंगल का रास्ता सभी को भयाकुल कर देता है। याचक, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने विश्वविद्यालय बनाने के लिए याचक बनकर सहायता प्राप्त की थी। आकंठ, हरिप्रसाद चौरसिया जी का बांसुरी वादन सुनकर मैं आनंद से आकंठ भर गया। और अब है प्रश्न दसवां, किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा, वाक्य में दिन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, आप दिन के लिए कोई तीन विशेषण और सुझाइए। यानी दिन के लिए इन्होंने कितने विशेषण लगाए हैं वो बताना है और हमें तीन और विशेषण देने हैं। उत्तर है, किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा वाक्य में दिन के लिए ठंडा उबाऊ दो विशेषणों का प्रयोग किया गया है। हम दिन के लिए कोई तीन विशेषण इस प्रकार सुझा सकते हैं, विकट, कठोर, कष्टदायक। ग्यारहवां प्रश्न है, इस पाठ में देखना क्रिया के कई रूप आए हैं, देखना के इन विभिन्न शब्द प्रयोगों में क्या अंतर है, वाक्य प्रयोग के द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार बोलना क्रिया के विभिन्न शब्द प्रयोग भी बताइए। उत्तर है, देखना क्रिया के इन विभिन्न शब्द प्रयोगों में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। पहला, आंखें केंद्रित करना, देखने का एक अर्थ यह भी होता है। इसका एक वाक्य बनाते हैं, कहीं पर नजरें जमाना अर्थ हुआ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर दृष्टि केंद्रित करो, ये वाक्य हुआ। दूसरा, निर्निमेश ताकना, अर्थ है अपलक देखना। ताजमहल की सुंदरता को विदेशी निर्निमेश होकर ताका करते हैं। तीसरा, नजर पड़ना, अचानक देखना। जिस समय एक बच्चा गाड़ी से टकराने को ही था कि उसी समय मेरी उस पर नजर पड़ गई। निहारना यानी देखना। गाय अपने बछड़े को प्रेम भाव से निहार रही थी। ताकना, आकांक्षा सहित देखना। पिता उपहार लेकर आने वाले थे इसलिए मैं उनकी राह ताक रहा था। घूरना, अर्थ है असभ्यतापूर्ण तरीके से किसी को देखना। वाक्य है, जो घूरते हैं वे असभ्यता को ही प्रमाणित करते हैं।
अब हम बोलना क्रिया के शब्द प्रयोगों को देखेंगे। तो पहला है कहना, अपने मन की बात कहना कोई अपराध नहीं है, इसका वाक्य हो गया। दूसरा है शब्द बाण चलाना, दुष्ट लोग शब्द बाण चलाने से बाज नहीं आते। तीसरा लाखों के बोल बोलना, बुजुर्ग जो कहते हैं वह सब लाखों के बोल बोलने जैसा ही होता है। चुप्पी तोड़ना, जब न्यायाधीश के प्रश्न पर चुप्पी छा गई तब वकील ने ही प्रमाण प्रस्तुत कर उस चुप्पी को तोड़ा। आवाज उठाना, स्त्रियां भी अपने अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठा रही हैं। बकवास करना, संसद में कुछ लोग केवल बकवास किया करते हैं। तो यह था लीलाधर मंडलोई जी की गद्य रचना ततारा वामीरो कथा के प्रश्नोत्तरों वाला वीडियो। अगली बार हम मंडलोई जी का जीवन परिचय करेंगे। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।